वारी वंजा हो वारी वंजा कोली वंजा तू पर्वत मेरा ओलारा हो बल बल जाए लख 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 बरिया जिन परम पर्दा खोला रा बिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर स्यों मन माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परमाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हो निरप होई सो प्रभ मेरा ओला ठाकुर जी ओ तुहारो परना 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 ठाकुर जी ओ तुहारो मान महत तुम्हारे ऊपर मान महत तुम्हारे ऊपर मान महत तुम्हारे ऊपर महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना तुमरी ओट तुम्हारी सरना ठाकुर जी ओ तुहारो परना 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 तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय ले तरना तुमरा नाम हृदय ले तरना तुमरा नाम हृदय ले तरना तुमरा नाम हृदय ले तरना
ठाकुर जीओ तुहारो परना ठाकुर जीओ तुहारो परना ठाकुर जीओ तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर मान महत तुम्हारे ऊपर तुम्हारी होठ तुम्हारी सरना तुम्हारी ठाकुर जीओ तुहारो परना ठाकुर जीओ तुहार परना ठाकुर जीओ तुहारो परना तुमरो बल तुम संग सुहेले 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 जो जो कहो सोई सोई करना जो जो कहो सोई सोई करना ठाकुर जीओ तुहारो परना ठाकुर जीओ तुहारो परना ठाकुर जीओ तुहारो परना ठाकुर जीओ तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर मान महत तुम्हारी होठ तुम्हारी सरना तुम्हारी होठ तुम्हारी सरना ठाकुर जीओ तुहारो परना ठाकुर जीओ तुहारो परना ठाकुर जीओ तुहारो परना ठाकुर जीओ तुहारो परना तुमरी दया मया सुख पाऊं 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 हो कृपाल
ਤਾਂ ਪਉ ਜਲ ਤਰਨਾ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਪਉ ਜਲ ਤਰਨਾ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਪਉ ਜਲ ਤਰਨਾ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਪਉ ਜਲ ਤਰਨਾ अभेदान नाम हर पायो अभेदान नाम हर पायो सिर डारे हो नानक संत चरना सिर डारे हो नानक संत चरना ठाकुर जी ओ तुहारो परना 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 मान महत तुम्हारे ऊपर मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना तुमरी ठाकुर जी ओ तुहारो परना ठाकुर जी ओ तुहारो परना ठाकुर जी ओ तुहारो परना किसी तड़ा किया मित्र सुत नाल पाए किसी तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाए किसी तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुवाए हमारा तड़ा हर रया समाई हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक मैं हर बिन पख तड़ा अवर न कोई हाँ हर गुण गावा असंख अनेक ठाकुर जी ओ तुहारो परना बिरथा परवासा लोक ठाकुर प्रभ तेरी टेक अवर छुटी सब आस अचिंत ठाकुर पेटे गुण तास एको नाम ते आए मन मेरे कारज तेरा होवे पूरा हर 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 गुण गाए मन मेरे ठाकुर जियो तुहारो परना तेरी टेक तेरा आधारा हाथ दे तू राखे जिस जन ऊपर तेरी कृपा जिस जन ऊपर तेरी कृपा तिसको विप न को पाखे हर जियो ठाकुर जियो तुहारो परना तेरी टेक रहा कलमाए
तेरी टेक तेरे गुण गाहे। तेरी टेक न पोहे काल, तेरी टेक बिरसे जंजाल। दीन दुनिया तेरी टेक, दीन दुनिया तेरी टेक, सब रविया साहिब एक। तेरी टेक रहो आनंद, तेरी टेक करो आनंद, तेरी टेक जपो गुरमंत्र, तेरी टेक तरिये पौ सागर, राखन हार पूरा सुख सागर। तेरी टेक नाही पौ कोए, अंतर जामी साचा सोए। तेरी टेक तेरा मन तान, इहां उहां तू दीवान। तेरी टेक नाही पौ कोए, अंतर जामी साचा सोए। तेरी टेक तेरा परवासा, सगल ते आवे पुरख गुणतासा। जप जप अनद करे तेरे दासा, जप जप अनद करे तेरे दासा। सिमर नानक साचे गुणतासा, ठाकुर जी ओ तुहारो पर ना, ठाकुर जी ओ तुहारो पर ना, ठाकुर जी ओ तुहारो पर ना, ठाकुर जी ओ तुहारो पर ना। हर चरण कमल की टेक, सतगुर दित्ती तुस के बलराम जियो। हर अमृत परे भंडार, सब किच है कर तिस के बलराम जियो। बाबुल मेरा वड समरथा, बाबुल मेरा वड समरथा, बाबुल मेरा वड समरथा, बाबुल मेरा वड समरथा। करण करण प्रभ हारा, करण करण प्रभ हारा, करण करण प्रभ हारा, करण करण प्रभ हारा। जिस सिमरत दुख कोई न लागे, जिस सिमरत दुख कोई न लागे, पाव जल पार उतारा, पाव जल पार उतारा। आद जुगाद पग तन का राखा, उस्तत कर कर जीवा, 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 उस्तत कर कर जीवा। नानक नाम महारस मीठा, नानक नाम महारस मीठा। अन दिन मन तन पीवा, अन दिन मन तन पीवा, अन दिन मन तन पीवा, अन दिन मन तन पीवा। ठाकुर जी ओ तुम्हारो पर ना, ठाकुर जी ओ तुम्हारो पर ना, ठाकुर जी ओ तुम्हारो पर ना, ठाकुर जी ओ तुम्हारो पर ना। धन गुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी दी बाणी।
1299 गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक ते बख्शिश कर रहे हैं, सानू समझावनी देंदे हैं। साडा मन कई बार थोड़ी जी साड़ी सियाण जाण हो जाए, किते पहुँच हो जाए, किते बहुती माया हो जाए, तो सानू एक परम पै जांदे, मेरे सारे कम हो जाणगे, मेरे कोल पैसा बहुत है, सियाण जाण बहुत है, मेरी एक आवाज़ ते सब कम हो जाणगे। पर नर चाहत कछ और ते औरे की औरे पही, पर होंदा सब कुछ मालिक दे हाथ च है। जे असी इस गल नूं समझीए, गुरु महाराज कहिंदे ने परना कहिंदे ने आसरे नूं, ये सच्चे पातशाह मैनू तेरा ही आसरा, मैनू तो तेरे ते माण है, तेरे ते फकर है, मान महत तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी ओट तुम्हारी सरना, मैं ते तेरी शरण आया हाँ, मेरे ते कृपा कर, तुम्हारी आस भरोसा तुम्हारा, तुम्हारा नाम हृदय ले तरना। जिसने अपने मालिक ते भरोसा किया है, अरदास की है, फिर उसके सारे काम सतगुरु आप करता है, वो आप ही जांजी बन जाता है, आप ही मांझी बन जाता है, आप ही खरीददार बन जाता है, आप ही लैण वाला बन जाता है, हर तेरे तो वो आप ही सारे काम करता है। पर जे असी उसका ओट आसरा लईए, पर असी ओट आसरा तां कदों लैने आ जो असी सब जगह के धक्के खा बैठने, फिर सानू सतगुरां दी याद आती है। द्रौपदी ने गिला किया सी भगवान नू कि तू पोचिया ही नहीं, तू इतनी ढिल कर दिती, मेरी इज्जत आबरू सरेआम लुट्टी जा रही सी, मैनू नगन किया जा रहा सी। ते भगवान मुस्करा के कहन लगे, मैनू याद किहड़े नंबर दे कीता सी, तैनू तो अपने पतियां ते माण सी कि मेरे पति बड़े बल वाले हन, ये मेरा की विगाड़ लेणगे। पर उस वक्त ना पति कम आए, ना राजा कम आया, ना प्रजा कम आई, सब नीवें सिर करके बैठे सन। कहन लगे तुसी मैनू याद ही कदों कीता है, उन्होंने तो कह दिता सी कि साड़ी चाल जेड़ा है मामा शक नहीं फेंकेगा, जे तुसी कह देंदे साड़ी चाल साड़े भगवान साड़े मित्र कृष्ण फेंकणगे, तो फिर मैं वेखदा कैसे जीते। भावें जुआ खेडना बुरी गल है, पर उस वक्त जेड़ा समा बनया, भगवान कहन लगे जे पासा मैं सटदा तो फिर गल ही इतिहास ही कुछ होर हुंदा, पर तुसी ते आप इतने स्याणे सी, तू मैनू याद कदों कीता, तू ते याद कीता जदों बहुत ही सिर तो पानी उतर गया, सब वेखे हुण सब सिर नीवा करके बैठे हैं, तो उस वक्त तैनू मेरी याद आई, तो मैं ढिल ते नहीं कीती ना, तो सिर नीवा हो गया। द्रौपदी का कहन लगे भगवान साड़ी गलती है, ये मेरी गलती है कि मैनू माण सी अपने सारे शूरवीर पतियां ते, कि इन्हां नू कौन जीत सकदा है, कौन मार सकदा ऐसे महाबली। पर प्यारे हो जिथे वो मालक कम आंदे, जिथे सतगुरु कम आंदे, ते उत्थे प्यारे हो फिर कोई कम नहीं आंदा। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਮਰੀ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਤੁਮਰਾ, ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਲੈ ਤਮਰਾ, ਤੁਮਰੋ ਬਲ ਤੁਮ ਸੰਗ ਸੁਹੇਲੇ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ऐसी भी अवस्था आ जाती, इंसान का बल छुट जाता है, कुछ समझ नहीं आती,
पर जदों मालक कृपा कर दे बख्शिश करता है तो फिर सारे काम हो जाते हैं। पर कदों जदों इंसान उस मालक दी उस अपने मित्र दी ओट आसरा लेंदा है। कोई भी काम होवे जे गुरु महाराज दी ओट आसरा लिती जावे भावें कोई संसारे काम है विआह दा काम है दुकान दा काम है कोई भी ओट आसरा जदों इंसान लेंदा है वो परना पकड़दा है तो सतगुरु सारे काम करदे हन। जे आप ही सियाणा बन जावे कि तुसी ते कुछ करदे नहीं ते सानू भी नहीं करने देंदे। भाई मना सिंह कहंदे मैं खूह लाणा है। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने भाई खूहां विच बड़े झगड़े हन कितने खर्चे मलियार दा खर्चा कितना समझाया सी पर कहंदा जी ना सारयां दे लगे सारे सुख माण रहे हैं। हुण किस गल च सुख है ये तो मालिक जानदा है ना। नहीं जी मैं तो लाना है ठीक है जी फिर वो गलते नहीं ना रही ना कि जो जो कहो सोई सोई कर फिर तो अपनी मत आ गई विच ते जिथे अपनी मत आ जाती है और उत्थे गुरु कहंदा फिर ठीक है। कितनी बार साहिब महाराज जी सानू समझांदे हन कहिंदे आंदे हन मिलदे हन ते मन च सोच के आंदे हन बस ओही महाराज जी कह दवन जो असी कारो सोच के आए। थोड़ी देर बाद साहब महाराज जी ने ही समझाना शुरू कर देंदे हन। अज दा नहीं सतगुर सेवा राम जी दे वेले तो ते फिर महाराज जी कहदे हन ठीक है भाई जिस तरह तेरी मर्जी है। ते ओह समझदा सी जिहड़े क्योंकि समझदार नूं तां इशारा ही काफ़ी और संत माता जी अक्सर कहिंदे सन जदों महाराज जी कोल बैठदे हो बड़ा ध्यान दिया करो सहज सुभाव वचन होंदे बड़ा ध्यान दे नाल सुने करो वचन अपनी मत ना लड़ाया करो। पर गुरु महाराज जिस ते बख्शिश करे रहमत करे गुरसिख दे घर विआह आया बच्ची दी शादी आई आए संत माता जी कोल सतगुर सेवा राम सच्चे पातशाह जी कोल। माता जी आप जी दी बच्ची दा कारज है कृपा करनी क्योंकि ये भी मत सतगुरु देंदा है। हुण किसी ने महापुरखां नूं आखे क्या जी मेरी बच्ची दी शादी है ते अगों महापुरख कहण लगे वी सानू की होएगी। बेचारा बड़ा निराश होया कि मेरे घर विआह है तो इन आख दिन सानू की। तो फिर किसी ने सियाने ने समझाया भावें बच्ची तेरी है पर कम तो सारा मालक सतगुरा ने करना है। कहंदा फिर कहने तू आख आप जी दी बच्ची दी शादी है। फिर दोबारा आया महाराज जी आप जी दी बच्ची शादी तो कहन लगे फिर तैनू की तो तेनों की चिंता है। फिर गल ओही है सिर्फ गल समझण दी है। हुण गुरसिखां ने पहुँच गए बच्ची दी शादी है माता जी कहण लगे चिंता ना कर मेरठ तो बारात आनी सी विआह दा दिन तय हो गया। कुछ दिन बाद फिर आए मेरठ तो कहण लगे जी सानू राती दा विआह चाहिए। फिर गुरसिख आए माता जी राती दा विआह मंगदे ते कहन लगे तू जाके कह दे जदों मिलन के कि भाई साडा सारा काम घोड़ी बैंड हलवाई सब चीज़ां बुक हो चुकी हैं ते वो मन जाणगे तू चिंता ना कर क्योंकि माता जी ते सानू सुखला छोड़ देन साहिब महाराज जी। जे असी उन्हां दे आखे चली तो सानू बहुत सुखला छोड़ दें पर साडे पैसे दी फूफां बहुत होंदी है ते असी फिर कहने उधर कहंदे ने सादगी नाल काम करो कुछ भी नहीं खर्च होंदा कहणगे कोई नहीं वो मन जाणगे तू कह उन्हां नूं। वो गुरु महाराज की कृपा वो मन भी गए ते वो मन गए ते जदों दिन आई गया बरात चढ़ने दा सारी तैयारियां हो गई ठीक ठाक बारात टुक गई फेरे भी पड़े जा रहे सन
सारे कमरास हो रहे सन गुरु महाराज की कृपा सी। आप मालक वेसी विच करता पुरख खलोया ते वाल ना विंगा होया। मरदाने नू बड़ी चिंता रहिंदी सी जदों रिश्तेदारा ने आख्या सी भई तेरी तेदी हुण मंगणी करन लग्या आ जा हूँ। तो आया सी गुरु नानक सचे पातशाह जी को इजाजत लैके भई रिश्तेदारा दा फोन आया हूँ बच्ची दी मंगनी करन लग्या ते तू आ जा। मंगनी भी कर दिती व्याह दी तारीख भी रख गई। हुण रखी तारीख ते समा पता नहीं लगदा आई जांदी है। हुण मरदाने नू बड़ी चिंता कि व्याह ते सब कुछ लोड है ते मैं ते इत्थे सतगुरां दे नाल रहना हाँ ते पैसे कित्थों आणगे किस तरह व्याह होएगा। भावें रहिंदा मालका दे नाल ए सृष्टि दा माल पर जदों इंसान दा मन संसार वल जांदा है ते फिर चिंतावां वधदियां हन किस तरह होएगा। सचे पातशाह जी दिन नेड़े आ रहे हैं चिंता ना कर मरदानिया सब कम तेरे हो जाएंगे। होर नेड़े आ गया दिन होर नेड़े आ गया। महाराज जी मैनू इजाजत दो मैं जावां कुछ तैयारियां करनियां। कहन लगे जा हुण मरदाना वेखदे गुरु नानक सचे पातशाह जी वाल कुछ माया छाया देणगे। मैं तो होर कुछ कम करदा नहीं मिरासी घर घर गाण वाला पर सतगुरां ने माण दिता अपने नाल मिलाया माण दिता। तो कहिंदा जावा जी। कहन लगे जा भाई गुरु महाराज कृपा कर सी। हुण उसनूं समझ नहीं आ रही कि सतगुरु की कृपा बख्शिश जिहड़ी है ना वो सब उस मालिक दे हाथ च है। याद आ गया मैनूं साखी जदों कानपुर दे रहण वाले चौधरी सेवा राम जी दे गले विच परेशानी आ गई। बिल्कुल गला बंद ही हो गया गला बंद ही हो गया फूट पाई बिल्कुल बंद। डॉक्टर ने कहा भाई बोलना ही बंद हो गया। तो जदों साहिब महाराज सचे पातशाह जी गए तो इशारे नाल कहिंदे आवाज़ मेरी बंद है मैं बोल नहीं सकना महाराज जी कृपा करो बख्शिश करो। बड़ा परेशान डॉक्टर नू दसे सारा परिवार ने दसिया ते साहिब महाराज सतगुर सेवा राम जी दा हाथ पकड़ने लगे कहंदा जी मेरे गले ते हाथ रखो। सचे पातशाह जी आदन की वे मेरे हाथ च फिर दोबारा जित करन लगा। साहिब सतगुर सेवा राम जी ने दोवें हाथ इनकर कहन लगे की वे इस हाथ च जो तेरे ते रखा। ते प्यारे हो सतगुरु दा हाथ होए ते असी की दस सकने हां। गुरु नानक सचे पातशाह जी ने एक टक्का चुक के ते हाथ च पकड़ लेता। कहन लगे बेटा श्री चंद दा साडे हाथ च की वे। वो कहंदा जी टक्का है तुसी हुण चुके। दूए बेटे नूं पुछया भाई साडे हाथ च की है। कहन लगे जो वीर जी कह रहे हैं ठीक है तुहाडे हाथ च टक्का ही है। सारयां नूं पर जिस दी निगाह होंदी है जिसनों पता होंदा है ना सतगुरां दी निगाह विच सतगुरां दे हाथ च की है फिर उही जानदे हन। ते जदों भाई लैणा नूं पुछया भाई लैणिया तू दस साडे हाथ च की है तो उसका सिर चुकया अखां नम हो गईयां ते कहन लगे सचे पातशाह जी तेरा हाथ होवे ते मैं दस सकना। तेरे हाथ विच ते लोक परलोक दे सुख तो जिसनों चाहवें सब कुछ दे सकना है। उसने नहीं किया कि टक्का चुकया है तो तुहाड़े हाथ च टक्का है। सतगुर सचे पातशाह जी कहन लगे मेरे हाथ च की है पर वो बोलते नहीं सकते सन। कहन लगे महाराज जी इशारा कहन लगे भाई तुसी हाथ दो। तो साहब जी कहन लगे गुरसिख का प्यार वेख के हाथ रखिया गले ते सारा हाथ फेरिया पर नाल एक वचन क्या बाबड़ेरे जाया कर संगतां दे चरणां दी धूड़ लाया कर। वडियाई भावें कम सतगुरां ने कर दिता
पर फिर भी राह दसी ओ वाली जो सतगुर भगवान दास जी ने ठाकर हरबान सिंह नूं दसी सी, जदों फोड़ा निकलिया सी ना राह दसी। और सच्चे पातशाह हाजर सतगुर कहंदे ने कोई भी बहाना होवे इंसान आवे भावें शुकराना करने आवे, दुख है तां आया है, किस तरह भी आया है आया ते है, आओ सही गुरु दर ते प्यारे, फिर सब कुछ गुरु महाराज बख्शिश करते हैं। तुमरी दया मया सुख पाऊं हो कृपाल तब पाओ जल तरना। कहने लगे बाबे डेरे जाके संगता दे चरना दी धूड़ लाया कर, मेरे हाथों च की है, हमें मालक दे हाथ च सब कुछ है। ठीक भी हो गए, बोलन भी लगे, पर सच्चे पातशाह जी ने राह फिर भी गुरु दर दी दसी। वो मरदाने नू भी चिंता सी, ते सच्चे पातशाह जी कहन लगे मरदानिया चिंता ना कर, तेरी बच्ची दा व्याह इस तरह होएगा जिस तरह राजे महाराजे दी कुड़ियां दे व्याह हुंदे हन। ते प्यारियो फिर की सी, जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी निगाह हो गई, एक मिरासी गली गली च गाण वाला जिसनों कोई पुछता नहीं सी, पर जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी कृपा हुई ना, उस वक्त दे वड्डे वड्डे जितने नंबरदार सन चौधरी सन, क्योंकि जिथे गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी आप होवन ते फिर उत्थे रौनक ही रौनक होंदियां, राय बुलार ते होर दौलत खान बड़े वड्डे वड्डे सब उत्थे पहुंचे, ते ऐसा कम गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जदों भगीरथी नूं भेजिया सी ने कहा सी लाहौर चला जा, और जिहड़ी सब तो चंगी दुकान होवे ना उस दुकान तो मर्दाने दी बच्ची असे कपड़ा लेना है, चूड़ा लेना है, गहना लेना है, सब किसी गल दी कमी ना रहे। ते मर्दाने दे मन च आंदा सी कि मेरे कोल कुछ है नहीं, किस तरह होएगा किस तरह होएगा, पर प्यारे ओ भाई नंद लाल जी कहंदे हन एह जे मुर्शद की बाहक आशना, ऐ जे मुर्शद की बाहक आशना, करद फारग करद अज रंजो बला, तन है ऐसे सतगुरां दी मित्रता जिन्हां दी प्यारो जिसदा सच्चा पातशाह जिसदा करता मित्र सब काज सवारिया, जिसदी मित्रता उस करते नाल होवे। ते भाई नंद लाल जी कहंदे न फिर दुख कलेशां दा उस सब मुक्ति करा देंदा है, ऐ जे मुर्शद के बाहक आशना, करद फारग करद अज रंजो बला, उस दे सारे दुख कलेश मुक जांदे हन, सूरते हक मुर्शदे काबिल बबद, उस गुरु महाराज दा दर्शन निरंकार दा दर्शन है, दीदनस आराम जानो दिल बबद, जिसनों वेख दे ही मन नो शांति आ जांदी है, ऐसी है रब दी मूरत, जिथे वो मालक दे दर्शन हो जावन, ते थे ते आप मालक संत माता जी सारे काम कर रहे सन, सारे काम हो गए, बरात भी टुकी, सब फेरे भी हो गए। आपर तो सरदार सिंह लुंग्याणी होर सब गुरसिख आ गए, दिल्ली दा ही अग्रवाल भवानी जी शायद व्यासी दास कल करे मोहन लाल लुंग्याणी, जसवंत कौर दी बच्ची अनीता दी, संत पता नहीं केड़ा सी, पर आप जी अंदाजा लाओ बहुत साहिब महाराज जी दे हाथ सारे काम। माता जी दे कन्ना च गल कही, माता जी माई निक्की राती चढ़ाई कर गई है, हुण ते व्याह दा कारज दास नूं साखी पढ़ के समा याद आ गया, जो छोटू का विआह सी ते असी मेहंदी की रात उत्थे ही सां, ते सवेरे दास दे मन च आई भी आए हाँ ते हाजरी भर ली है मोती नगर साहब, ते हरबंस सिंह जी की नवी नवी कविता आए सी, दास नूं भी कविता पढ़न दा शौक सी, हम आदमी आ एकदम ही, ते मैं कहा कविता भी पढ़ांगे नवी, ते उत्थे बैठ के कीर्तन कर रहे सां, कविता पढ़नी शुरू, कविता पढ़ ही रहे सां, ते पिछों किसी ने आके कुछ माता जी दे कन्ना गल कीती, ते इतनी आवाज दास दे मन है
माता जी एकदम कहने लगे अच्छा तो पता पिया कि साढ़े संजय दे माता जी पूरे हो रात ही सगंधी रात सी सवेरे व्याह सी तो वह चढ़ाई कर गए उस समा फिर साढ़े अखा के सामने वेख्या किस तरह साढ़े साहब महाराज जी ने नहीं तो संसारिक तौर पर कितना औखा कम है सोचना भी जिस कार विह हो तो उत्थे कम हो जाए तो फिर भी सहजता दे नाल सारे कम क्योंकि सिर ते पूरा सतगुरु ठाकुर जीओ तुहारो पर जिसने गुरु महाराज का अज क्यों सानू ये चीज़ा सिखाई जांदियां कोई भी कम हो गुरु महाराज की ओट आसरा लेके अरदास करके दे तां करो आप जी दी सदा ही जय। उत्थे लावां हो चुकिया हन सारे काम हो रहे हन ते गुरसिख आके कहन लगे माता जी माई निक्की चढ़ाई कर गई है शामी चार बजे का टाइम रख दिता है आप जी चलो सारा काम सवार दो। ते माता जी कहन लगे भई मेरी बच्ची का विआह है तो मैं डोली टोर के कल सवेरे 10 बजे पहुँच जावांगी माई निक्की नूं अंदर पा दे उसनों कुछ नहीं आता वो नाम जपण वाली है हुण एक रात पहले चढ़ाई की जिस दिन विआह हो रहा सी दूसरी रात तो तीसरे दिन माता जी कह रहे कहन लगे माता जी असी तो बरादरी नूं टाइम दे चुके हाँ। माता जी कहन लगे शहर वालों नूं आख दो कि हुण कल काम होएगा तो तुसी परिवार वाले रोटी पका के खा के तो आराम नाल सो उसकी चिंता ना करो उसके काम सारे असी आप सवारा तो प्यारे दो दिन शरीर का बदलाव हो जाता है ना बर्फा लगिया ना कुछ लगिया जिन्होंने वह नज़ारे वेखे माता जी दास जी दस रहे सन कहन लगे मैं भी साहिब महाराज जी के नाल ही सी उस वक्त सच्चे पातशाह जी ने किस तरह तो सतगुरु सेवा राम सच्चे पातशाह जी ने कहा सी जिसने माई द्रौपदी के दर्शन नहीं किए हूँ माई निक्की दे कर लो ये नाम जपण वाली माइया जिन्हों की चरण धूण लैण वास्ते संगतां भी तरसदियां सन क्यों गुरु महाराज की बच्चिया सन एक बच्ची का विआह माता जी करा रहे हैं तो वह भी सतगुरां ने कहा सी साड़ी बच्चिया कहन लगे चिंता ना कर असी कल आके आप सब इशनान करा के सारे काम आप करांगे कौन साहिब नूं आखे इंज नहीं तेंज कर जिस तरह महाराज जी का हुक्म चुप सारे हूँ बरादरी थोड़ी है मान महत तुम्हारे उपर बई उत्थे ते सब तो पहले तो सतगुरु है बाद च सारे कुड़मचारी बरादरी हुणी आप जी ने सारा शब्द सुनिया इधर बारात का काम चल रहा है हुण हर तरह का बंदा बारात च आंदा है ते प्यारे हो किसी ने फायरिंग कर दिती जिस तरह कोई खुशी में चला छोड़ दे वो गोली चला दिती गोली चलाई ते नाल एक छर्रा किसी बच्ची नूं लग गया वो छर्रा जदों बच्ची नूं लग गया उसके माता पिता ने जाके ते पुलिस च केस दर्ज करा दिता पुलिस आ गई खुशी का माहौल सारा बदल गया एकदम माहौल ही बदल गया पुलिस आ गई गोली चल गई फिर संत माता जी ने उस वक्त डोली अपने घरों मोती नगर तो टोरी जदों इधरों सारा काम होन लगा तो वह दर्शन करन वो भी आए जिन्होंने रिपोर्ट कराई सी उन्होंने ज्यों दर्शन किए साहेब महाराज जी दे प्यारे हो ते कहन लगे महाराज जी इतने आप जी का परिवार है सानू तो पता ही नहीं सी ते आप जी की बच्ची है साढ़े को गलती है कोई असं अपनी रिपोर्ट वापस लेने हाँ तो ज्यों दर्शन उन्होंने साहेब महाराज जी दे किते ते एकदम नतमस्तक हो गए ता ही मेरे सच्चे पातशाह जी कहते हैं चौकी चौगिर्द हमारे
चौकी चौगिर दे हमारे, चौकी चौगिर दे हमारे, चौकी चौगिर दे हमारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर दे हमारे, चौकी चौगिर दे हमारे, चौकी चौगिर दे हमारे, चौकी चौगिर दे हमारे, राम नाम मन लागा जम ल जाए कर पागा, राम नाम मन लागा जम ल जाए कर पागा, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विदाता, पूरन पुरख विदाता, चौकी चौगिर दे हमारे, चौकी चौगिर दे हमारे, चौकी चौगिर दे हमारे, चौकी चौगिर दे हमारे, नानक प्रभ अब नासी ताकि सेव न बेरे थी जासी, नानक प्रभ अब नासी ताकि सेव न बेरे थी जासी, अनद करे तेरे दासा जप पूरन होई आसा, अनद करे तेरे दासा जप पूरन होई आसा, चौकी चौगिर दे हमारे, चौकी चौगिर दे हमारे, चौकी चौगिर दे, चौकी चौगिर हमारे। जिस तरह चौकियां लगदियां ना शहर दे बाहर, किलियां विच पहले होंदे सन, शहर दे बाहर एक एक चौकी होंदी है जिस ते सारे पुलिस वाले होंदे। इस तरह गुरु महाराज जदों ओट ते आसरा इंसान लैंदा है सतगुरां दा, जदों कह दिता आप जी दी बच्ची दी शादी है, ते फिर वेखो किस तरह आप मालक अंग संग साई होके सारे कारज सवेले कर रहा है। ऐसी गुरु महाराज की कृपा ही वेखो, जिसने रिपोर्ट लिखवाई गोली भी चल गई, तो ज्यों उसने दर्शन किए कह लगे महाराज जी मैं माफ़ी चाहना, इतने आप जी का परिवार आप जी की बच्ची तो साढ़े को बड़ी गलती हुई, चल हो जाता है विआह तो इस तरह का, ता ही असी प्यारे हो सारे अरदास करने। उसने केस वापस ले लिता, सारे काम फिर खुशी का माहौल हो गया, सारे कारज आप साहिबा ने हाथों नाल कीते। फिर दूसरे दिन जाके वो फिर प्रकरण अलग है, किस तरह माई निक्की दे काम सतगुरां ने सवारे। प्यारे समा बीतता गया,
गुरु महाराज दी बख्शिश बच्ची व्याह के चली गई अपने घर। पहली कुड़ी हुई, दूसरी भी हुई, दूसरी भी कुड़ी हो गई। जेड़ी इन्हां दी देवराणी सी निहालचंद पपड़ेजा बसंत कौर जी दी बच्ची राणी, उसदे घर भी सब पहले ही बच्चियां सन, उसदी भी त्रै कुड़ियां सन। ते फिर दुनिया छोड़ दी थोड़ी है, जेड़े रिश्तेदार सन होर सन कहन लगे ये नाम धारणा हन, इन्हां दे घर कुड़ियां होंदियां पुत्तर नहीं होंदे। तो प्याले ध्यान रखो, जेड़े ताने होंदे हन ना वो बड़े खरे होंदे हन। ऐसे बंदे भी होने चाहिए जेड़ी साड़ियाँ बुराइयाँ निंदा चुगलियाँ करते रहन, क्योंकि साड़ा काम बड़ी जल्दी हो जाते। ये ताने फिर सतगुरां नूं लगदे हन, गुरसिखां नूं नहीं लगते। जेड़े इस तरह के बंदे होंदे हन ना, ये साड़ा काम बड़ी जल्दी करदे हन। कहण लगे नाम तारणा हन, इन्हां दे घर मुंडे नहीं आउंदे। हुण गल ते मन ते लगदी है, जिस तरह माता गंगा जी दे मन ते लगी सी ना। पृथ्वी चंद कहिंदा सी चिंता ना कर, सारी जायदाद साडी ते है, इन्हां दे घर कीड़ी औलाद होनी है ते कोथरे ही टुर जाणगे, ओथरे ही टुर जाणगे। इसी तरह ते इह गल जदों माता जी दे मन ते लगी सी ते फिर कम हो गया सी। इह गल जदों अनीता ने सुनी, कहण लगी साडे सतगुरां दे कोल सब कुछ है, सब कुछ कर है तिसके बलराम जीओ, बाबुल मेरा वड समरथ था की नहीं उसदे कार, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है जिस ते है सो पावे। पर उसने अपना भरोसा नहीं छोड़िया, उसने अपने मन च अरदास की, सचे पातशाह जी मंत आप जी दही ओट आसरा भरोसा है, ठाकुर जीओ तुहारो परना। ते प्यारे गुरु महाराज ने अरदास सुनी ते फिर पुत्र ने जन्म लिया। ते पुत्र ने जन्म लिया, हुण 7 महीने विच ही वह बच्चा हो गया। जिस तरह दस्या परिवार ने, 7 महीने बच्चा बड़ा छोटा ते कमजोर। जसवंत कौर जी दिल्ली तो मेरठ आ गए, वेख्या बच्चों नूं मशीना च रख्या पिया है, बहुत ही कमजोर ते छोटा। उन्होंने साहिबां नूं फोन किया, सचे पातशाह जी कृपा करो। ते सचे पातशाह जी कहिंदे ने गुरु राखा, सतगुर सेवा राम, सचे पातशाह जी की आवाज आई गुरु राखा। जदों बच्चा 1 साल का होया तो वेख्या एक टंग छोटी है तो एक वड्डी है। डॉक्टर ने कहा भी ऑपरेशन होएगा। सचे पातशाह जी ने फिर बेनती की, महाराज जी कहन लगे जिस तरह गुरु महाराज कृपा करे, वचन किया ऑपरेशन करा लो। गंगा राम ले गए। हुण जदों ऑपरेशन होना सी ते उस बच्चे दे मुँह च पाई पाण लगे ते बच्चा मुँह ना खोले। हुण डॉक्टर ने कहा जी जे बच्चा मुँह नहीं खोलता ते सानू गले दे विच सुराख करना पएगा ते बच्चे दी आवाज च फर्क आ सकता है, ते पाई पैना बड़ा जरूरी है। इन्होंने फिर बेनती की, महाराज जी बच्चा मुँह नहीं खोलता तो कहंदे फिर असी गले च पाई पावांगे। तो सचे पातशाह जी कहन लगे तुसी एक बार होर कोशिश करो, मुँह च पाई पा लेगा। तो उधरों ज्यों हुक्म होया बच्चे ने मुँह खोल दिता, मुँह च पाई पाया गया, ऑपरेशन भी ठीक हो गया। गुरु महाराज की बख्शिश रहमत कृपा नाल जदों सारे काम होए, बच्चे नूं मोती नगर लियाया गया। बच्चे की माता, उसके सारे नाना नानी सब सचे पातशाह जी कोल आके चटाई ते बैठ गए। साहिब जी भी उत्थे बाहर ही बैठे सन, बहुत ही प्यार आशीर्वाद दिता, सचे पातशाह जी ये कृपा करो, तुहाडी कृपा नाल ही संसार ते आया है, बख्शिश करो नहीं तो दुनिया तो छोड़ दी नहीं, हुण कृपा करो। सचे पातशाह जी कहन लगे चिंता ना करो, बच्चा बड़ा समझदार होएगा तो पढ़ाई भी होशियार होएगा। तो प्यारो इस गल नूं कितना समा बीत गया है, अज असी उस बच्चे नूं वेखने हाँ, पढ़ा लिखा समझदार बच्चा,
ये सारियां बख्शिशां रहमतां उस मालक दियां, रहमतां उस दियां बख्शिशां दियां। आओ समा समाप्ति दा है, गुरु महाराज कृपा करे ये दो तुक्का पढ़ के ते नाल फिर समाप्ति है। एक तकिया परोसा तेरे चरना दा, होर सबे ठाइयां टेरियां। एक तकिया परोसा तेरे चरना दा, होर सबे ठाइयां टेरियां। एक तकिया परोसा चरना दा, होर सब होर सबे ठाइयां टेरियां, होर सबे ठाइयां टेरियां, होर सबे ठाइयां टेरियां, होर सबे ठाइयां टेरियां। ओ इक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सबे ताइयां टेरियां। एक तकिया परोसा तेरे चरना दा, होर सबे ताइयां टेरियां। तेरे जिया जग ते ना दिसे कोई, तेरे जिया जग ते दिसे कोई। तू है पालन हारा दाता, तू है पालन हारा, तू है पालन। मेरे कट दियो कष्ट सारे, होर सबे ठाइयां टेरियां। मेरे कट दियो कष्ट सारे, होर सबे ठाइयां टेरियां। इक तकिया परोसा तेरे चरना दा, होर सबे ठाइयां टेरियां। इक तकिया परोसा तेरे चरना दा, होर ठाइयां टेरियां। साड़ी छोली निक्की तेरियां बख्शिशां वड्डियां, साड़ी छोली निक्की तेरियां बख्शिशां वड्डियां। जो कुछ हां असी साहिबा तेरिया ने बख्शिशां, जो कुछ असी हां साहिबा तेरिया ने बख्शिशां। ओ तेरे दर्शन करा दिन राती, होर सबे ताइयां टेरियां। तेरे दर्शन करा दिन राती, होर सबे ताइयां। एक तकिया परोसा तेरे चरना दा, होर सबे ताइयां टेरियां। एक तकिया परोसा तेरे चरना दा, मिली रहे सदा तेरे घर दी चाकरी, मिली रहे सदा तेरे घर दी चाकरी। उस्तत तेरी कर दे रही है दिन अते रात जी, उस्तत ते कर दे रही है दिन अते रात। अपने घर दा बना लो सानू गोला, होर सबे ठाइयां तेरी। अपने घर दा बना लो सानू गोला, होर सबे ठाइयां तेरी। एक तकिया परोसा तेरे चरना दा, होर सबे ताइयां तेरिया। एक तकिया परोसा तेरे जिंदगी विच इंसान बहुत टेरियां बड़ा लेंदा है। इतिहास सुने आप जी ने, बच्चे ते जदों औखा टाइम आया सी, उसने चार टेरियां बढ़ाइया सन, ते तीन टेरियां उसने ढा दित्तियां, एक टेरी रखी सी जिसनों बच्चे नूं बलि चराण लगे सन ना। माँ प्यो ते कहण लगे मैनूं आप ही छोड़ गए राजे कोल, देवी देवत्यां दी रिश्तेदारां दी एक टेरी उसने छोड़ी सी कि गुरु महाराज दा ओट आसरा ले। जिंदगी साडे सारियां दा ग्रस्त जीवन है, ऐसे संकट परेशानियां
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਗ੍ਰਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬਸ ਠਾਕੁਰ ਜੀਓ ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ, ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨੀ ਫਸ ਗਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੱਤਾ ਖਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਘੇਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਧਰ ਨਿਕਟ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਰਨੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਪੈਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿਰਨੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਮੁਰਾਰੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਮੁਰਾਰੀ, ਸੰਕਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਉਪਜਿਓ, ਅਰਜ ਕਰੇ ਮਿਰਗ ਨਾਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ, ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਔਰ ਲੈ ਬਾਬਰ ਜਾ ਰਿਹੋ, ਏਕ ਔਰ ਅਗਜਾਰੀ, ਏਕ ਔਰ ਲੈ ਸਵਾਨ ਖਿਲਾ ਰਿਹੋ, ਏਕ ਔਰ ਫੰਦਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੱਤਾ ਖੜੇ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਖੜੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਅੰਧਕਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀਓ ਤੁਹਾਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਵਰਨੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹਿਰਨੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਲਟੀ ਪਵਨ ਬਾਬਰ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਓਲਾ ਉੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਲ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟੀ ਪਵਨ ਬਾਬਰ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਨ ਚੱਲਿਓ ਸਿਸਕਾਰੀ, ਜਿਉਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਖਰਗੋਸ਼ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਔਰ ਲੈ ਫਨ ਹਰ ਨਿਕਸਿਓ, ਉਹ ਡੱਸਿਓ ਫੰਦਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਜਿਉਂ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਚਾਰੋਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਅੱਗ ਵੀ ਬੁੱਝ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਸੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੱਸ ਲਿੱਤਾ, ਕੁੱਤਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਚਨ ਕੂਦਨ ਹਿਰਨੀ ਲਾਗੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਕਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਰੋਂ ਲੁਝੜਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਿਤਨਾ ਖੂਜ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸਦੀ ਹੋਈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ? ਉੱਥੇ ਵਰਨੀ ਹੋਈ, ਵਰਨੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ 40 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਗਾਹ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਜਾਗਿਰਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਆਨੰਦ ਕਿਤਨਾ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ते गुरु महाराज कृपा करे सब दियां हाजरियां सब 21 तारीख नूं मुख रखदे होए दूर दड़े जिहड़े वेख रहे हन सतगुरु उन्हां दी भी हाजरियां जो घर बैठ के प्यार दे नाल दूर देश विदेशां अपने मालक नूं याद करदे हन। आओ पढ़िए ते समाप्ति। ठाकुर जी ओ तुहारो परना 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 मान महत तुम्हारे ऊपर मान महत तुम्हारे ऊपर तुम्हारी ओट तुम्हारी सरना तुम्हारी ओट तुम्हारी सरना ठाकुर जी ओ तुहारो परना ठाकुर जी ओ तुहारो परना तन तन सतगुरु सेवा राम आप जी दी सदा ही जय। ठाकुर जी ओ तुहारो परना बड़ा ही रस पिंगड़ा कीर्तन। किस तरह सतगुरु अपने सेवकां दी रक्षा करदे हन। द्वापर युग दी साखी सुनी धन गुरु नानक पातशाह जी दीआं साखियां सुनिया अपने मुरशद साडे नामदाता हरमन प्यारे सतगुरु सेवा राम सचे पातशाह जी दियां बख्शिशां सरवन कीतियां संत माता जी दियां बख्शिशां सरवन कीतियां होर प्रमाणिक साखियां आप जी ने सरवन कीतियां। सतगुरु तो बहुत वड्डा है। बाणी कहिंदी है आद जुगाद भगतन का राखा। ओ आज तो नहीं जुगा जुगांतरां तो अपने भगतां दी लजपत रखदा आया। काम की करना है उस्तत कर कर जीवां। हर कोई कहंदा है कि भी मेरी अरदास सुनी जाए मेरे सम कम हो जान मैनू तत्ती वाव भी ना लगे। हर कोई कहंदा है कि बाणी कहंदी है आद जुगाद भगतन का राखा। वो भगतां दी रख्या करदा। हुण भगत कौन है? पंक्ति अगली कहंदी है नानक नाम महारस मीठा। जिन्हां नूं उस मालक दा नाम मिठा लग्या है अन्न दिन मन तन पीवां। अन्न दिन मतलब दिन ते रात मन ते तन मन दे नाल भी ते शरीर करके भी जेड़े पूरे हाजरियां भरदे होए मन दे नाल दिन ते रात उस मालक दे नाम नूं मिठा रस समझ के पींदे हन ओह हन भगत। जे ए अवस्था है तो फिर आद जुगाद भगतन कर। असी गुरु दरबार ते आए हाँ ए अवस्था लेने की कोशिश करिए। बाणी सतगुरु सेवा राम जी बिल्कुल स्पष्ट कहंदे सन लिखिया है बिरसी कदे ना हो वही जन की अरदास। पर जन बनना सिख लईए। जन किस नूं कहंदे हन? जिन मन होर मुख होर से काढ़े कच्चे।
जिस नूं परमेश्वर दा नाम अपने सतगुरां दा नाम मिठा लगदा है, जिहड़ा कहिंदा है नाम प्रभु का लागा मीठा, हर वेले कहिंदा है धन गुरु नानक, धन सतगुरु सेवा राम जी, धन गुरु नानक, धन सतगुरु सेवा, मिठा कि भाई इस नूं मैं पी लवां, इस नूं ना छोड़ा। जिहड़ा दिन रात मन करके तन करके ये पींदा है, फिर बाणी कहिंदे फिर अपने जन का पर्दा टाके। ये जिहड़ियां साखियां आप जी सरवण कर रहे सो ना, जो कष्ट आंदा है दौड़दे हन महाराज जी कोल, हुण ये हो गया, हुण ये हो गया, ये हुण ये हो गया। तो सतगुरु जी दे वचन, अमृत वचन, साध की बाणी, जे भगत बन जाइए, सतगुरां दी दसी हुई राह ते चल पईए, जन बन जाइए, फिर अपने जन का पर्दा टाके ते अपने सेवक की सर पर राख, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई। वो फिर बख्शिशां करदा है। गुरु दरबार ते पहुंचे हाँ, मन विच विचार बढ़ा के जाना कि नित दी हाजरी होवे। गुरु नानक पातशाह जी दे गुण गाए जा रहे हैं, सत्कारयोग भावी माता जी नित्ता प्रति सानू एक शब्द एक साखी सरवण करा रहे हैं। थोड़े जे दिन रह गए हैं, नित्ता प्रति दी हाजरी जिथे जिथे भी असी रहने हाँ, हाजरी भरीए ते सतगुरां दे गुण गाइए, क्योंकि उस्तत कर कर आद जुगाद भगतन का राका उस्तत कर कर दीवा, जड़ा उस्तत करता है दिन तेरा। ते ठीक है, ग्रह विखे भी एक कम चंगा है, चाहे किसी रूप विच भी असी उस्तत करिए, पर बाणी च एक तुक आंदी है, बिन भागा सतसंग न लभै ते बिन संगत मैल भरी जाए। असी भावें कितने ही परफेक्ट क्यों ना होइए, कि कहिए कि साढ़े अंदर सारे गुण हैं, असी बिल्कुल सतगुरु जी दे दसवें मार्ग ते चल रहे हैं, सानू सतसंग दी की लोड़ है, असी तो घर बैठे ही माला जप लवांगे, यूट्यूब ते देख लवांगे। बाणी कहिंदी है बिन संगत मैल भरी जे जी, जिहड़े तेरे अंदर गुण हैं ना, वो धीरे धीरे घटते जाएंगे। बिना संगत दे मैल भरिंदी है, हउमे दा रोग लगता है, इसलिए संगत विच आके उस मालक दे चरणां च बैठ के उस मालक दी कीर्ति गाइए। गुरु नानक ने यही दस्या है, उसने उस करते दी कीर्ति गाई है, जिथे बैठ गए उस मालक दे गुण गाए हैं। गुण गावस तेरी उतरस मैल, सतगुरु बख्शिश करे। गुरु दरबार ते पहुंचे हाँ, साढ़े सतगुरु अवगुण ना चितार के सानू अपने चरणा नाल जोड़ी रखे। मन जेड़ा है हमेशा नाम दी तरफ रहे, नानक नाम महारस मीठा, ऐसी अवस्था हो। हुण सहज पाठां दे भोग पैणे हन, दो सहज पाठां दे भोग पैणे, उस उपरंत फिर गुरु उपदेश पढ़ना।